Still think I'm beautiful? Oh my god, okay. What happened to you? Oh my! हेलो ओके सबसे पहले आई नो मैं एक माफी डिजर्व करता हूँ तो आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। मेरे को पता है कि तुम सारे लोग कितने ज्यादा गुस्से हो। ये गुस्सा मेरे को जो है ना मेरे इंस्टाग्राम पर भी दिख रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने लिटरली अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट डाली एंड रील्स डाला, ठीक है ना भाई। वहां पर मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं कि रचित भाई सुपर स्कैरी वीडियोस का एपिसोड कब आएगा। एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। आई नो मेरी गलती है, मैंने पिछले 2 या 3 महीने से SSP का कोई सा भी एपिसोड नहीं बनाया है, बट बॉयस हम लोग वापस आ चुके हैं इस सीरीज के साथ। तो आप लोग का स्वागत है SSP में। ओ सचिन भाई ये SSP क्या है, मैं बताता हूँ। सो ये एक सीरीज है जहाँ पर मैं कुछ सुपर स्कैरी वीडियोस देखता हूँ जो कि तुम लोगों ने भेजी होती हैं मेरे को, एंड मैं वो स्कैरी वीडियोस को देखकर रिएक्ट करता हूँ। सो इन शॉर्ट गाइस आई थिंक तुम लोग अभी समझ गए होगे। सो आज के दिन ना मैं कुछ बहुत ही स्कैरी हॉरर वीडियोस देखने वाला हूँ। एंड सी मैं जो है ना राइट नाउ लाइक अकेले हूँ इस जगह पर, एंड जो है ना अकेले जगह पर मैं एक हॉरर वीडियोस देखूंगा तो ये एक्सपीरियंस और भी ज्यादा डरावना होने वाला है। एंड मैंने थोड़ी देर पहले ये एप्पी फिज पी है तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। लाइक मैं देखो इतनी एनर्जी है कि मैंने इसको ऐसा कर दिया। बाय द वे मेरे को तुम लोग को एक छोटा सा अपडेट भी देना था। अब से जो है ना तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर भी SSP की वीडियोस भेज सकते हो। यानी तुम लोग को अगर कोई से भी हॉरर वीडियो मेरे को भेजनी है जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में रिएक्ट करूं तो तुम लोग ना इंस्टाग्राम पे जाके #SSV रचित्रो लिख सकते हो एंड वहां पे अपनी जो वीडियोस है ना उनको भेज सकते हो। ऑल्सो एक और तरीका है कि तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके ये फॉलो का बटन दबा के एक मैसेज का ऑप्शन आता है उस पे जाकर मेरे को मैसेज कर सकते हो अपनी फेवरेट हॉरर वीडियोस जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में रिएक्ट करूंगा। ये जो है ना मैंने तुम लोग को इसलिए भी बताया बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड में अपनी इंस्टाग्राम DMs को ओपन कर ही वीडियो बनाऊंगा, मतलब तुम लोग के सामने ही ओपन करूंगा। तो तुम लोग के पास मौका है, तुम लोग मेरे को भेज सकते हो। ऑल्सो मेरा इंस्टाग्राम प्रमोट हो जाएगा इससे। ओके तो आज के दिन ना मैंने अलग तरीके से हॉरर वीडियोस निकाली हैं। सबसे पहले हमारे पास है 2 हॉरर शॉर्ट फिल्म्स एंड देन हमारे पास है कुछ रियल हॉरर टाइप की वीडियोस जो कि हॉरर टिकटॉक टाइप के हैं। तो हम आज के दिन ये दोनों को ही देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये हॉरर शॉर्ट फिल्म से जिसका नाम है कुची साके ओना द स्प्लिट माउथेड वूमेन। लुक एट दिस, ये भाई ये हॉरर शॉर्ट फिल्म का लाइक थंबनेल है एंड तुम लोग देख सकते हो कि डैम भाई कितनी डरावनी लग रही है भाई ये औरत। ओके लेट्स स्टार्ट। मैंने फुल ना अपना फुल वॉल्यूम बढ़ा दिया भाई मैंने अपने हेडफोन की। ओके रॉट लिखा है, आई एम एक्साइटेड, बहुत दिनों के बाद देख रहा हूं मैं। औ ओके प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है इसकी। ओके आई थिंक ये ओके मेरे को लग ही रहा था ये अजीब तरीके से चल रहा है, ये दारू पी के ना नीचे जा रहा है। स्माइल ओके गाना भी गा रहा है। दिस इज व्हाट हैपेंस जब तुम दारू पीते हो। ओके ये गैराज में अपनी गाड़ी लेने आया है इतना मेरे को समझ रहा है। ओके ओके ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ओके इसको भाई वो मिल गई भाई, वो उसके सीधे उसके पास भी जा भाई उसके सामने नाच रहा है वो। व्हाट ओके गैस बॉस गैस व्हाट, अभी ये लड़का इस लड़की को जाके लाइक ये नशे में तो है ही, ये लड़का इस भूतनी के पास जाके उसको प्रपोज करे लाइक कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे। लाइक कितना फनी लाइक कितना मजा आ जाएगा भाई इफ ऐसा हुआ तो। ओके भाई एक्चुअली मैं उसके पास जा रहा है, डोंट से ये एक्चुअली मैं प्रपोज करेगा उसको। ओके उससे बात कर रहे हैं ये। कोविड गाइस
देखो भूत भी आजकल मास्क लगाई है, तुम्हें भी मास्क लगाना चाहिए, कोविड हो रहा है। देखो उसने भी मास्क लगा रखा है। भाई उसको देख के खुश हो रही है। ऐसा ही होता है जब इंजीनियरिंग बॉयज को ना लड़की दिख जाती है, तब उनका ऐसा ही रिएक्शन होता है, ऐसा ही ब्लश करते हैं वो। Do you think I'm beautiful? ब्रावो पूछ रही है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ? एंड इसने कहा यस। As a matter of fact, I do. अब तो नहीं छोड़ने वाली। Why don't you take off this mask? Okay, ये से मास्क हटाने के लिए बोल रहा है। No, bro, no. Okay. मेरे को उसका माउथ पता है कटा होगा। ओके माय गॉड। ओके व्हाट हैपेंड टू यू? ओ माय। हेलो वेट व्हाट वेट व्हाट ये कुछ ज्यादा ही फास्ट था। ओके मेरे को रीवॉच करना है। भाई उसने उसका चेहरे की ऐसी की तैसी कर दी। व्हाट हैपेंड टू यू? उसकी आंखें निकाल दी भाई। ओके ये कुछ सरप्राइजिंग देखा भाई मैंने। इस तरीके की हॉरर शॉर्ट फिल्म नहीं देखी थी मैंने। लाइक ये एक बहुत क्रिएटिव थी, मेरे को पसंद आई भाई। आज से गाइस इफ कोई भी लड़की तुमसे पूछे कि क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ तो प्लीज उसका आंसर मत करना, इग्नोर कर देना। क्या पता अपना भी कुछ इसी तरीके का हाल हो जाए। मेरे हिसाब से ये अच्छी शॉर्ट फिल्म थी, मेरे को मजा आया। ओके नेक्स्ट हॉरर शॉर्ट फिल्म हम लोग देख रहे हैं, इसका नाम है मिडनाइट जॉग। ये जो है ना पीओवी हॉरर शॉर्ट फिल्म है, यानी अपनी जो आंखें होती है ना उस प्रस्पेक्टिव से ये हॉरर शॉर्ट फिल्म बनाई गई है। एंड मेरे को काफी लोगों ने बोला है कि ये बहुत अच्छी हॉरर शॉर्ट फिल्म है, तो लेट्स गो। ओके रात का टाइम है एंड ये अपने आंखों से दिखाया जा रहा है कि हम लोग जॉग करने के लिए जा रहे हैं। आई थिंक लड़की है हम इसमें, ऐसा मत बोलना कि मैंने पिंक शूज देख लिए इसलिए मैंने लड़की बोला। मेरे को लग रहा है कि ये लड़की है। ओके सालू रमाई नहीं को संप्लाई। ओके यूजुअली यहाँ पे लोग होते हैं लेकिन ये बोल रही है कि आज के दिन भाई कोई है नहीं। अजीब बात है, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। ओके मेरे को पता है ये भाई डरा। ओके ये मेरे को ओ माय गॉड एक्सीडेंट। अभी एक आदमी भाग के गया, गायब हो गया वो आदमी। जस्ट अभी इधर से तो भाग के गया था आदमी। ए ये वापस आ गया। फेंटी बजा। ए वापस चला गया वो। What the heck, वो वापस आ गया। What? सब हो रहा। ओ ओ ओ पीछे नहीं। भाई what the heck? मेरा दिमाग कुछ ऐसा नहीं कर रहा है। गर्ल प्लीज रन। अपने रूम में जा। बिल्कुल पास में घर था। अपने रूम में। यस अपने सोसाइटी में। भाई इसके पीछे उसने आवाज दी इसको।
ओके ओके भाई दिस इज सो स्कैरी भाई दिस इज एक्चुअली सो स्कैरी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। ओह डैम यार, ओके ये भाग रही है, अपने रूम तक भाग रही है ये। प्लीज गो, ओके लिफ्ट, नो डोंट से, वो लिफ्ट के पीछे होगा, डोंट से, वो लिफ्ट के एसी के बिल्कुल पीछे होगा। वो लिफ्ट बंद नहीं हो रही, ओके ओके डोंट से इसके बगल में होगा। नहीं नहीं नहीं, अगर ये ऐसे देखेगी बगल में होगा, मेरे को लग रहा है। भाई म्यूजिक यार बहुत डरावना म्यूजिक है, बहुत डरावना म्यूजिक है। ओके बच गई, ओके इधर ही क्या, इधर साइड क्या, माय गॉड, जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग, अपने रूम में अपने रूम में अपने रूम में। ओ डैम ओ माय गॉड, मैंने क्या देखा जस्ट अभी, व्हाट द फ्रिक भाई, दैट वाज सो स्कैरी भाई, व्हाट द हेक। ये इस एड ने बचा लिया मेरे को, ओ माय गॉड। दिस वीडियो इज री एन्चेंटमेंट बेस्ड ऑन एक्चुअल इवेंट्स, भाई ये वीडियो एक्चुअल इवेंट से इंस्पायर्ड है। ओके आई थिंक ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट वीडियो बन गई है जो मैंने देखी है, ट्रू हॉरर स्टोरीज की तरफ से थी। मैं भाई ये चैनल सब्सक्राइब कर रहा हूँ, मेरे को बहुत पसंद आई। ओके तो अभी हम लोग देख रहे हैं 7 क्रीपीएस्ट गोस्ट वीडियो, जिनको देखकर आप कभी भूल नहीं पाओगे वो वीडियोस को, ऐसा इसका टाइटल है। ओके नंबर 7, एडियन नाम के एक व्यक्ति ने इस फुटेज को अपने ऑफिस में फिल्माया था। okay. जिसमें होता यह है कि एडियन को लगातार अपने ही ऑफिस से वेयरहाउस सेशन से किसी की चीखने की आवाज आ रही होती है। किसके चीखने की ब्रो? इस बीच एडियन तुरंत ही उस आवाज को सुनने के बाद अपने कैमरा को ऑन करते हुए एक अनोखी चीज को वहाँ कैप्चर कर लेते हैं, जो कि वाकई में काफी ज्यादा डरावनी सी लगती है। वो किसी के रोने की आवाज आ रही है, किसी के रोने की, अभी कोई हंस रहा था क्या? वैसे भाई मैं नहीं देख रहा, मेरे पे ऐसी वीडियो नहीं चलेगी, भाई। ओ माय गॉड, क्या था वो, कौन किसकी बच्ची थी वो, कहां से आ गई? रुको, ओ माय गॉड ब्रो, दिस इज सो स्कैरी, look at her face भाई। I know my cheese. वैसे इस सीन को देखने के बाद एडियन काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर आप सभी को कितना ज्यादा डर लगा इस चमकती हुई आंखों वाले सिर को देखने के बाद, मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। ओके जितना मेरे को लगता है ना, आई डोंट थिंक सो ये रियल होगी, शायद से रियल हो सकती है, बट या तो इसने बोला हुआ किसी बच्चे से ऐसे आके ऐसे देखने के लिए। इफ ये रियल हुई आई एम डन भाई, मैं देखो जो है ना भाई, इतने बड़े घर में हम, मैं एंड मेरा रूममेट रह रहा है, मेरी हालत खराब हो जाएगी, मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पे नहीं है, मेरे को इतनी डरावनी चीजें मत दिखाओ। नंबर 6, ये वीडियो को हमने पॉलिश पैरानॉर्मल टीवी नामक यूट्यूब चैनल से लिया है, जिसमें शाल के नाम के एक व्यक्ति दो डिफरेंट अनबैंडेड प्लेस में गोस्ट हंटिंग करते हैं। और उस गोस्ट हंटिंग के दौरान शाल के पहले उस अनबैंडेड बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते हुए नजर आते हैं, जिसमें होता यह है कि अचानक से उनका कैमरा पहले तो फ्लिकर होना स्टार्ट कर देता है। हाँ। और कुछ देर बाद उनका केटोमीटर भी उन्हें वहाँ फुल रीडिंग देना शुरू कर देता है, लाइक वहाँ जरूर कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल पावर मौजूद है। ओके इसके पास जो मशीन है ना, इससे ना सुपर, जब भूत होते हैं ना वहाँ पे सिग्नल आता है, ऐसा कुछ ये मशीन है, ये एक जगह पे जा रहे हैं ना वहाँ पे इसको फुल सिग्नल आ रही है। ओके भाई माय गॉड, मेरी हालत, मेरे मुंह से गाली निकलने वाली थी। ये उससे पूछ रहा है कि मेरे कैमरा को खराब मत करो, तुम कहाँ पे हो, अपना नाम बताओ। Na góry. To ja wyszedłem z inicjatywą rozmowy. Proszę, przyjdźcie. Okej, okay, I think यहाँ पे कोई तो भूत है, ऐसा ये दिखा रहे हैं, ये उससे बात कर रहा है। Oh my god.
ओ भाई मत मत खड़ा हो यहाँ पे, ये नीचे गिर जाएगा ऊपर से। मेरे को डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है। यहाँ पे सिग्नल आ रही है। Oh my god. To jest coś niesamowitego. Ale mnie przeszyło. Paj full signal a rysko budki. Jest obok mnie. Nic by takiego odczytu nie dawało. Paj kustuskie paszmy. Jeżeli jesteś tutaj, zamknij te drzwi, proszę. I usne usne bola, jak if tu mnie apio, to please je gate ko band karo. Don't say je gate band ho jayega. I koniec, zobaczcie, nie ruszyłem kadłubką. Czyli okay. Gdy reading czyli gdy dusry place mein jate hain jahan unke camera mein khandar jaisi jagah ke sath sath ek aisi interesting cheez bhi qaid ho jati hai jo ki behad ajeeb si nazar aa rahi hoti hai. Oh my god bhai main kya dekh raha hu, mere pe nahi dekha jayega, ye kuch zyada hi scary type ki cheeze lag rahi hain bhai. Are bahut tez awaaz hai, kam kar bhai. भाई मेरे पे नहीं देखा जाएगा, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को मम्मी के साथ बहुत डर लग रहा है यार। ओ उधर कोई था, उधर कोई था भाई, मेरे को पता है जंप स्केयर आने वाला है, मेरे पे नहीं देखा जा रहा। कैरियर दिखने में तो किसी महिला की डार्क शेडो फिगर जैसे लग रही होती है। अब आप लोग ये रही, look at this, oh my god, look at this, look at her, भाई लड़की है, बड़े बड़े बाल है, okay. विचार करेंगे इस बारे में, मुझे जरूर बताइएगा. Okay, I'm done. आज के लिए इतना ही guys. Thank you so much. भाई मैं horror short films देख लूंगा, लेकिन मेरे पे ऐसी scary videos नहीं देखी जाएंगी. Especially तब जब मैं अकेला हूँ घर में. इस TikTok वीडियो को कुछ टीनेजर ने रिकॉर्ड करके अपने TikTok अकाउंट पर पोस्ट किया था. Okay. वीडियो में दो लोग एक पेड़ के पास खड़े हुए नजर आ रहे होते हैं, पर कुछ वक्त के बाद ये दोनों अचानक से होने वाली असाधारण गतिविधियों के शिकार बन जाते हैं. Okay. ये यहाँ पे तो बच्चे ना टिकटॉक बना रहे हैं, एंड यहाँ पे कुछ तो अजीब होगा, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या अजीब होगा. क्या है इधर, क्या था, मेरे को नहीं दिखा क्या था. ओके रचित प्लीज वीडियो बंद कर दे भाई. उसके पैर के पास हाथ था, लिटरली उसके पैर के पास हाथ है, एंड फिर चला गया. ब्रो इधर साइड एक्चुअली में हाथ था, कहाँ गया, किधर गया. अब ध्यान से देखने पर इस वीडियो में एक हाथ नजर आता है. Yes. हाथ पेड़ के पास खड़े उस लड़के के पैर, भाई एक्चुअली में ऐसा हाथ था, वो हाथ ऐसे गया ऐसे एंड ऐसे पकड़ा भाई. हेलो मेरे रोंगटे खड़े हो गई है देखकर. को छूने की कोशिश कर रहा होता है. इसके अलावा उन दोनों के पास में जाने से पहले ही वो हाथ वहाँ से अदृश्य हो जाता है. Exactly. अब इस असाधारण गतिविधि के पीछे क्या कोई रियल गोस्ट हो सकता है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? भाई ये एक्चुअली में हाथ लग रहा, कोई गलत चीज नहीं, मेरे को एक्चुअली में ये हाथ जैसा फिगर लग रहा है. ओह माय गॉड यार, क्या क्या चीजें चल रही है यार. बट या आई गेस आज के लिए इतना ही बॉयज. ये वीडियो ज्यादा बड़ी मैं नहीं करना चाहता हूँ. आई होप सो तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी. आई थिंक यार एस इन लाइक कमबैक ऑफ SSB आज की जो वीडियो हम लोगों ने देखी ना, वो थी तो बहुत तगड़ी. स्पेशली वो POV वाली वीडियो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई थी. बट मैं एक्सपेक्ट करूंगा तुम लोगों से और भी अच्छी वीडियो, तो तुम लोग मेरे को भेज सकते हो, तुम लोग मेरा हैशटैग यूज कर सकते हो, भूलना मत हैशटैग SSB रचित रू, एंड मेरे को इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो, जो कि मैं चेक करूंगा. आज कितना ही, मेरा नाम है रचित, मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. मेरे को पता है, मेरे को हेयर स्टाइल का सीन हो गया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी हेयर स्टाइल किस तरीके की रखी हूँ, लाइक किस तरीके की रखूँ अभी. नाइस, दिस लुक्स गुड. ये अच्छी लग रही है भाई, फुल कोरियन टाइप का देख रहा हूँ मैं.